एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा निबंध का विषय है दूरदर्शन के लाभ या हानि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूरदर्शन के लाभ या हानि। आज के युग विज्ञान का युग कहा जाता है। दूरदर्शन विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है। दूरदर्शन के द्वारा हम मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। भारत में 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। दूरदर्शन अंग्रेजी शब्द टेलीविजन का हिंदी पर्यायी है। टेलीविजन का सन 1925 में महान वैज्ञानिक जेम्स लॉगी वाइट ने आविष्कार किया था। दूरदर्शन के बहुत अधिक लाभ हैं। इसकी मदद से हम घर बैठे देश विदेश के अनेक समाचार सुन सकते हैं और समाचार को बोलने वाले को भी देख सकते हैं। संसार में कहीं भी होने वाले मैच या खेल को आसानी से देख सकते हैं। दूरदर्शन से हम अपने मौसमों, खेलों, तमाशे, नाटक, कला, संगीत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन से विद्यार्थियों को अपने देश की धार्मिक संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। टेलीविजन के जितने लाभ हैं, उतने नुकसान भी हैं। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आंखें कमजोर हो जाती हैं। घंटों लोग टीवी के सामने बैठकर अपना कीमती समय गवा देते हैं। कभी कभी टीवी पर मार लूटमार आदि कंटेंट दिखाए जाते हैं, जिससे समाज में रहने वाले लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन विज्ञान द्वारा किया गया अनमोल आविष्कार है। किसी भी साधन को जरूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको दूरदर्शन पर निबंध पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।